नमस्कार साथियों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, धन्य धान वैभव माँ लक्ष्मी आपको प्रदान करें। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी जैसे ही दिवाली आती थी तो दो दिन पहले से ही दादी कहने लगती थी कि अब दिवाली के दिन सूरन की सब्जी बनेगी, तो सूरन की व्यवस्था करती थी। हम लोगों के घरों में या खेत में कहीं लगा होता था तो खोद करके उसे लाया जाता था, ला के रखती थी। अब सूरन की सब्जी कौन खाए? बचपन में जब सूरन का नाम सुनते ही हम लोगों की भूख तो आधी हो जाती थी। कारण क्या था कि सूरन की सब्जी या सूरन का चोखा जब ये बनता था, सूरन का चोखा ही बनाती थी दादी, तो सूरन का जब चोखा बनता था तो वो गले में थोड़ा सा कांटा की तरह चुभता था, काटता था, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दादी थी तो कहती थी कि हर दिवाली आते ही, दिवाली से दो तीन दिन पहले ही सूरन की व्यवस्था होने लगती थी। अब एक चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये परिवार वाले करना क्या चाहते हैं। यार, सारी सब्जियां मौजूद हैं, खेत में भी सब्जियां लगी हैं, तो कोई अच्छी सी चटपटी सब्जी बनाते, ये सूरन कौन खाता है? सूरन जिसे आप लोग जिमीकंद कहते हैं, कुछ लोग याक कहते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती थी। और दादी से हम लोग पूछते थे कि दादी, सूरन दिवाली के दिन सूरन ही क्यों खाया जाता है? तो दादी कहती थी कि जो इंसान दिवाली के दिन यदि सूरन नहीं खाएगा तो वो छछूदर का जन्म पाएगा। अब अपने को लगता था यार, दादी कह रही तो सही बात है, तो छछूदर तो नालियों में घूमा करती थी, तो हम लोगों के समझ में आता था नहीं, सब कुछ बनना है, छछूदर तो अगले जन्म में नहीं बनेंगे, तो क्या करेंगे? फिर सूरन की सब्जी खाएंगे। मित्रों, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके वो इन चीज़ों से दो चार होना पड़ा होगा या इन परिस्थितियों से जूझना होगा। आज जब हम बड़े हुए तो पता चला कि सूरन का महत्व दिवाली को इतना क्यों है। इसे कहते हैं सूरन। देखिए, याक या फिर जिमीकंद कहते हैं आप इसे, हम लोग इसे सूरन कहते हैं। आज दीपावली है तो सूरन की सब्जी मैंने बनवाई थी और शाम को चोखा भी बनवाऊंगा। इसलिए बनवाऊंगा कि ये बहुत ही फायदेमंद है। अब दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। आखिर पूरे भारत में दिवाली के दिन सूरन की सब्जी या सूरन का चोखा ही क्यों खाया जाता है, और विशेषकर साल भर खाएं या ना खाएं, दिवाली के दिन तो हम पूरब के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत सारे लोग हैं जो भारत में कहीं भी होंगे सूरन की सब्जी खाएंगे। वैसे देखा जाए तो इसे सबसे ज़्यादा बंगाली लोग खाते हैं, और बंगाली लोग, जहाँ तक मैंने जाना है कि सब्जियों के बारे में जानना हो तो किसी बंगाली का डाइट देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो बहुत ही पोषक तत्वों से परिपूर्ण भरपूर सब्जियों का सेवन करते हैं जिससे वो स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, अब बात करें दिवाली के दिन सूरन की सब्जी या चोखा क्यों खाते हैं। दिवाली माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। आज हम लक्ष्मी माँ को का पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माँ मुझे धन धान्य यश और वैभव दें। सूरन के बारे में एक ऐसी मान्यता है कि सूरन एक ऐसा कंद है, सूरन एक ऐसी सब्जी है कि सूरन को यदि जड़ से काट भी दें, एकदम बिल्कुल यहाँ से कट कर दें, तो भी यह पुनः जो है उग जाता है, ये पुनः आ जाता है, पुनः जो है ये पेड़ इसका निकल जाता है, और जैसे निकलेगा तो ये बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। जैसे इतना छोटा सूरन यदि हम मिट्टी में तोप दें तो यहाँ से निकलेगा और बड़ा होगा, अगले साल ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि सूरन यदि हम दिवाली के दिन खाते हैं तो हम भी दिशा काल परिस्थितियों के अनुसार, चूँकि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो यदि हमारे साथ भी सूरन जैसा कुछ हो जाए, यानी हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, हम बिल्कुल धन हमारा नष्ट हो गया हो, तो बिल्कुल कंगाल हो गए हों, तो भी हम सूरन का सेवन इसलिए करते हैं दिवाली के दिन कि हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह सूरन पूरी तरह से जड़ों से कट जाने के बाद भी अपने आप को पुनः प्रफुल्लित कर लेता है, अपने आप को पुनः बढ़ा लेता है, अपने परिवार को बढ़ाता है और बड़ा होने लगता है, हे माँ लक्ष्मी, अपनी विशेष कृपा हम पे सूरन की तरह बनाइए ताकि हम भी पुनः अपने जीवन को जो है बढ़ा सकें, उठा सकें, धन धान्य वैभव हमें मिल सके।
ये तो हो गई पौराणिक मान्यताएं। दूसरी मान्यता ये है, अब दूसरी वैज्ञानिक तथ्य क्या है, सूरन एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए बहुत बढ़िया पाया जाता है, इसके साथ पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये इसमें फाइबर बहुत होता है, फाइबर जो आपके मल को ढीला करता है, जो आपके पेट को अच्छा करता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि पूरे साल आप सूरन खाइए या ना खाइए, सूरन के दिन कार्तिक अमावस्या होता है, और कार्तिक अमावस्या के दिन जो लोग बवासीर से पीड़ित हो, चाहे खुद ही हो या बादी हो, इसका चोखा बनाएं, इसे उबाल लें, उबाल करके मैश कर लें, मैश करके इसमें नमक मिला लें, स्वादानुसार काला नमक मिला लें, और काला नमक मिला करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, और गोलियों को बना करके धूप में खूब बढ़िया से सुखा लें। सुखाने के बाद इसे हर दिन एक गोली सुबह और एक गोली शाम यदि आप खाना खाने के बाद जल के साथ सेवन करते हैं, तो ये पाया जाता है कि यह बवासीर में बहुत ही लाभ करता है, यदि न मिले तो। और मिल जाए तो क्या करना है, इसका चोखा खाइए, इसकी सब्जी खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी आँखों के लिए चूँकि विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है तो बहुत बढ़िया है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट आपके पेट को ये इतना दुरुस्त रखता है कि आपकी आपको कब्ज नहीं बनती है, कब्ज नहीं बनेगी तो पेट साफ रहेगा, तो पेट जनित बीमारियां नहीं होंगी। और ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति यदि जिसको सूरन नहीं मिल रहा है तो सूरन में कुछ विशेष ऐसे एंजाइम और प्रोटीन्स, एंजाइम और कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं कि पूरे साल ना खाइए और एक दिन भी सूरन साल में एक दिन केवल दिवाली के दिन खा लीजिए, तो भी यह दिवाली के दिन खाया जाने वाला सूरन में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके शरीर के काफ़ी समस्याओं को दूर करते हैं। और एक साल तक यदि नहीं है तो ये आपके एक साल तक आप इसे नहीं खाते हैं तो भी जो पोटेशियम है और जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसे ये कम नहीं होने देते। तो इतना बढ़िया और शानदार सूरन का महत्व है हमारे लाइफ में, चूँकि ये किसी चीज़ की दवा नहीं है, लेकिन यदि इसे आप प्रयोग करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक बार पुनः हमारे तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मालच।